नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। केंद्र सरकार ने गरीबों जरूरतमंदों को 1.70 लाख करोड़ रुपए का दिया पैकेज। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत की खबर दी है, जिसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की है, जिसमें 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किसानों को अप्रैल महीने में किसान निधि की पहली किश्त देना, वहीं मनरेगा की मजदूरी बढ़ाना, 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर देना समेत कई सारे अहम ऐलान भी किए हैं। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बिना गारंटी 20 लाख तक लोन देने का भी आश्वासन दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए फैसले की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इतने दिनों तक बंद के ऐलान का भी समर्थन किया है। वैसे तो यह दोनों नेता कभी भी एक दूसरे का समर्थन करते नजर नहीं आते, मगर इस बार सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने न्याय योजना को लागू करने की भी अपील की है। वहीं सोनिया गांधी ने कोरोना से बचने में लगे सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाने का भी आग्रह किया है। साथ ही सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घर घर जाकर सामान पहुंचाने वालों की पहल तेज करने की भी अपील की है। कोरोना के फैलते असर के बीच ओडिशा में सरकार बनाने जा रही अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल। कोरोना के फैलते असर के बीच सरकार ने ओडिशा में अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। खबरों की माने तो ओडिशा में बनने वाला यह अस्पताल में 1000 बेड का इंतजाम किया जाएगा, जहां पर कोरोना से आशंकित लोगों की जांच पड़ताल की जाएगी। ज्ञात हो अब तक समूचे भारत में कोरोना के 700 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं इसको रोकने के लिए सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं 21 दिन के लिए भारत को भी बंद करने का ऐलान जारी किया गया है, जहां पर सरकार बार बार लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने की अपील कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने तो जरूरी सेवाओं को छोड़कर आवाजाही से लेकर हर चीज को बंद कर दिया है। अमेरिका में कोरोना की समस्या में लगातार हो रहा है इजाफा। चीन के बाद अमेरिका न्यूयॉर्क कोरोना का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जिसके तहत अमेरिका में अब तक 83,500 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जो कि चीन से भी ज्यादा है। यहां तक कि अमेरिका में पाए गए मामले में अभी तक किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा अधिक है। वहीं अमेरिका में कोरोना की वजह से जिंदगी गंवाने वालों की संख्या 1200 पहुंच गई है, जबकि चीन में यह संख्या 3291 थी, इटली में 8215। वहीं इन सब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अमेरिका वापस से सामान्य स्थिति में लौट आएगा। वहीं अमेरिका ने बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर कोरोना के मामले को लेकर चीन का पक्ष लेने की बात कही है। इस वैज्ञानिक ने कोरोना के अंतिम चरण में होने की कही बात। वर्तमान समय में कोरोना पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी बीच नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल लेविट ने हाल ही में कोरोना को लेकर अहम बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के लिए जो करना चाहिए वो हम करेंगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग ने दुनिया को एक बूस्टर के रूप में विकसित किया है, जो कि अभी कोरोना का सामना करने के लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही इसका खात्मा भी हो जाएगा। ज्ञात हो माइकल को साल 2013 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कल से दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामायण का होगा प्रसारण। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने पहले ही घोषणा करते हुए 21 दिनों तक बंद करने का ऐलान जारी कर दिया था। वहीं अब लोगों का मनोरंजन करने के लिए हाल ही में दूरदर्शन ने भी अहम ऐलान किया है, जिसके तहत दूरदर्शन कल से एक बार फिर से रामायण का प्रसारण करने जा रही है। यह वही रामायण है जो 80 के दशक का मशहूर टीवी धारावाहिक हुआ करता था, जिसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पहला एपिसोड सुबह 9 बजे, वहीं दूसरा एपिसोड रात 9 बजे होगा। वहीं अगर रामायण का प्रसारण सफलतापूर्वक हुआ तो आने वाले दिनों में महाभारत को भी प्रसारित करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। भारत, चीन, अमेरिका समेत कई देशों को मिला $5,000 अरब का राहत पैकेज। हाल ही में G20 देशों के नेताओं के बीच कोरोना को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई अहम फैसलों पर सोच विचार किया गया। इतना ही नहीं, G20 देशों की इस बैठक में शामिल कोरोना से प्रभावित सभी देशों को $5,000 अरब का राहत पैकेज भी दिया गया था। वर्तमान समय में कोरोना अपनी चपेट में कई देशों को ले चुका है, इससे निकलने के लिए सभी देश हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए भारत को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया था। इतना ही नहीं, G20 देशों के बीच हाल ही में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे से मुखातिब हुए थे। कोरोना के बढ़ते असर की वजह से लगाई गई थी रोकथाम, जल्द ही खुल सकती है मंडियां। कोरोना के कारण बंद हुए मंडियों में एक बार फिर से पहले की तरह काम शुरू हो सकता है। खबरों की माने तो देश भर में फलों और सब्जियों के 1600 मंडियों में सामान्य तरीके से काम हो रहा है। वहीं बीते दिन 300 अन्य मंडियों भी खुल गई थी, जिसकी जानकारी कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने दी थी। देश भर में कोरोना के फैलते असर को देखते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
21 दिनों की बंदी लागू की थी, जिसके बाद कुछ अहम चीजों की आपूर्ति के लिए एक बार फिर से सब्जी मंडियों को खोलने का ऐलान जारी किया गया है। कोरोना के चलते यूपीएससी ने टाले कई अहम परीक्षाओं के इंटरव्यू। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए भारत बंद के बीच कई परीक्षाओं के इंटरव्यू को कैंसिल करने का ऐलान जारी किया है। इतना ही नहीं, यूपीएससी ने सिविल परीक्षा के भी इंटरव्यू को स्थगित करने का ऐलान जारी किया है। सिर्फ यूपीएससी नहीं, हाल ही में कई अहम संस्थानों ने अपनी अपनी परीक्षा को कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए स्थगित कर दिया है। आईसीसी ने टी20 विश्व कप समेत कई बड़े टूर्नामेंट्स को लेकर किया बड़ा ऐलान। कोरोना की वजह से क्रिकेट के सभी प्रारूपों को स्थगित किए जाने के बाद अब एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत आईसीसी ने 30 जून से पहले होने वाले सभी क्वालिफायर टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। पूरी दुनिया में अभी कोरोना की वजह से हालत हाथ से बाहर जा चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने यह फैसला लिया है। खबरों की माने तो आईसीसी ने यह जानकारी क्रिस टेटली ने दी है, जिसके आगे उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी, अधिकारी, स्टाफ, प्रशंसकों की सेहत और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमें सभी संबंधित पक्षों के हितों में ध्यान में रखकर कोई फैसला लेना था, जिसके तहत हमने जून तक होने वाले सभी क्रिकेट के प्रारूपों को स्थगित करने का ऐलान किया। बंद के बावजूद 1 अप्रैल से बदल सकता है इन बैंकों का नाम। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार द्वारा बंद के ऐलान के बावजूद सरकार ने कहा है कि बैंकों के विलय की योजना पटरी पर है और 1 अप्रैल से इस पर अमल होना शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होने जा रहा है। वहीं विलय के साथ कुछ बैंकों का नाम भी बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, बैंक के विलय होने से नागरिकों को नया चेकबुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कल से रामायण के दोबारा से प्रसारण, आपके अनुसार लोगों के मनोरंजन में कितने कारगर साबित होंगे, कितने नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।